हॉलीवुड की बारबी डॉल कही जाने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बीते कई दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं अपनी शादी को लेकर। कैटरीना कैफ 9 दिसंबर के दिन एक्टर विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बनने जा रही हैं। बेहद शाही अंदाज में शादी रचाना चाहती हैं कैटरीना कैफ और विकी कौशल। दावा किया जा रहा है राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंस फोर्ट होटल में कैटरीना और विकी बेहद शाही अंदाज में शादी रचाएंगे। शादी की रस्में 7 से 10 दिसंबर तक चलेंगी और कैटरीना और विकी किसी भी दिन राजस्थान के लिए रवाना हो सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। कैटरीना और विकी लंबे समय तक चर्चाएं बटोरते हुए नजर आए अपने अफेयर को लेकर। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की। दोनों को अक्सर साथ में देखा गया पार्टीज और इवेंट में। वहीं अब तक कैटरीना और विकी ने शादी को लेकर भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना ही स्टेटमेंट जारी किया है। इसी बीच देखा जाए तो कैटरीना और विकी की शादी को लेकर हर दिन नई नई अपडेट्स आ रही हैं और तमाम राज खुल रहे हैं। पुराने इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम बात करेंगे जब कैटरीना कैफ को खुद की शादी की चिंता सताने लगी थी। 38 इयर्स की हो चुकी हैं कैटरीना कैफ और अपने से उम्र में छोटे विकी कौशल के साथ वह शादी रचाने जा रही हैं। बता दें आपको 33 इयर्स की हैं विकी कौशल और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे यूं तो कैटरीना की जिंदगी में कई स्टार्स की एंट्री हुई लेकिन कैटरीना कैफ का दिल कई बार टूटा है। एक वक्त ऐसा आया जब कैटरीना को अपनी शादी की चिंता होने लगी थी। जी हां, साल 2018 में अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर कैटरीना ने दिल की बात कह दी थी। कैटरीना का कहना था कि जितना हो सकता था वह सिंगल रहे, लेकिन जब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गई, ऐसे में शादी की इस रेस में वह पीछे रहना नहीं चाहती थी। अपने इंटरव्यू में हंसते हुए कैटरीना ने कह दिया था कि हर कोई शादी कर रहा है, मैं कह रही हूँ मुझे पीछे मत छोड़ो। इस तरह से कैटरीना ने अपने दिल की बात कह डाली थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये बिल्कुल वैसा था जैसे हर कोई आपसे आगे निकल गया और आप कह रहे हैं मेरे लिए रुको। इस तरह से कैटरीना कैफ ने अपने दिल की बात कह डाली थी अपने इंटरव्यू में। ऐसे में देखा जाए तो कैटरीना अब विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बंधे जा रही हैं। बता दें आपको जब कैटरीना कैफ विकी कौशल के साथ फिल्म मेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में नजर आई थी, उस दौरान उन्होंने शो में कहा था कि वह और विकी स्क्रीन पर साथ में अच्छे दिखेंगे और कैटरीना के इन शब्दों को सुनने के बाद विकी कौशल बेहोश होने का नाटक तक करने लगे थे। कई मौके पर दोनों को साथ में देखा गया है और अब दोनों ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कहते हैं इस प्यारे से कपल के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में।